जवानों की शहादत को भूल करके अगर हम राजनीतिक लोग अभी भी अपना अपना पक्ष रखेंगे तो याद रखना, ये मातृभूमि भगवान हमें कभी भी माफ नहीं कर देगा। मौत हर व्यक्ति के सामने खड़ी है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम, हमारी अड़ी में आपका स्वागत है। कोरोना से कराह रही दुनिया में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हिंदुस्तान भी इस महामारी को हराने की जंग लड़ रहा है, पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपने आतंकी एजेंडे के साथ आज भी लगा हुआ है। पाकिस्तान को ना कोरोना का खौफ है और ना ही खुदा का। रमजान के महीने में भी वो अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता जा रहा है। एमएस बिट्टा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। शाहनवाज हुसैन साहब प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आचार्य प्रमोद कृष्णम राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस सिंपथाइजर। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद डिफेंस एक्सपर्ट हैं। नूर मोहम्मद शेख नेता हैं पीडीपी के। और गुलाम अब्बास राजनीतिक विश्लेषक हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हम इनसे बातचीत शुरू करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया जिस पर सियासी घमासान मचा है। राहुल गांधी ने कश्मीर के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले 3 फोटोग्राफर्स को पुलित्जर अवार्ड मिलने के बाद बधाई दी है। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले 3 फोटोग्राफर डार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद को यह पुरस्कार दिया गया है। राहुल ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर की दमदार तस्वीरें पेश करने वाले भारतीय फोटो जर्नलिस्ट डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को पुलित्जर पुरस्कार मिलने पर बधाई। आप लोगों ने हम सबको गौरवान्वित किया है। और जवाब में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संबित पात्रा ने ताबड़तोड़ ट्वीट किए और सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया। पुलित्जर पुरस्कार पाने वालों का मानना है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, भारत ने जबरन कश्मीर को अपने कब्जे में कर रखा है। सोनिया गांधी स्पष्ट करें कि कश्मीर के बारे में कांग्रेस क्या सोचती है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है उनकी निगाह में या नहीं। मैं एक बात बिल्कुल आपको स्पष्ट कह दूं, आपने देखा शर्मा जी की पत्नी, शर्मा जी की बेटी, शर्मा जी का भाई, शर्मा जी की माँ, जयपुर के अंदर बॉडी सामने है, तस्वीर सीने पे है, पत्नी के आंख में आंसू नहीं है, चेहरे पे हंसी है। मुझे फक्र है, माँ कहती है अपने लाल के ऊपर, पत्नी कहती है मुझे पति के ऊपर, बेटी कहती है मुझे पिता के ऊपर, भाई कहता है मुझे भाई के ऊपर फक्र है। आंखों में आंसू नहीं, इस वर्दी के ऊपर फक्र है, मातृभूमि की शान के ऊपर फक्र है। उन्होंने शहादत दी, एक भी आंसू अपने चैनल में दिखा दी, चैनल में आंसू था नहीं था। हिंदुस्तान के अंदर हम कहां खड़े हैं जनाब? कोरोना, मानव बम, खामोश टेररिज्म, लार निकलती जा रही है। कौन, मैं जिंदा रहूंगा, आप जिंदा रहेंगे, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? अगर इस टाइम पे भी हम ऐसी चीजों को सोचते हैं कि मातृभूमि को भूल करके, जवानों की शहादत को भूल करके अगर हम राजनीतिक लोग अभी भी अपना अपना पक्ष रखेंगे तो याद रखना, ये मातृभूमि भगवान हमें कभी भी माफ नहीं कर देगा। मौत हर व्यक्ति के सामने खड़ी है, वो अलग बात है। हम बड़ी बड़ी कोठियों में हैं, हमारे बड़े इंतजाम हैं, आपके कैमरे आए हैं, 20 बार चेक किया गया, 20 बार सफाई की गई, हम अंदर कुछ भी बोल सकते हैं जनाब, हम सेफ हैं। पर आम लोग, आम पब्लिक, घरों में बैठे हुए 5-5, 10-10 लोग, एक कमरे में बैठे हुए 10-10 लोग, क्या उनकी फिक्र है हमको? हम राजनीति कितनी देर तक करते रहेंगे? जब जब इस मातृभूमि के ऊपर मुसीबत आती रहेगी, जवानों की शहादत होती रहेगी, तो हम क्या राजनीति करते रहेंगे? मैं तो एक बात कहना चाहूंगा किसी को नहीं, पुरानी एक कवि प्रदीप जी का नारा था, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गर्दारों से। लेकिन क्या इस बात का भी डर नहीं है कि अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उसको अब ब्लैक लिस्ट कर दिया, ग्रे में तो डाला हुआ है, तो उसका क्या होगा? हाफिज सईद जैसे दुर्दांत क्रिमिनल को, टेररिस्ट को उसने कोरोना के नाम पर रिहा कर दिया। एक बात बिल्कुल सुन लीजिए, ये इस वक्त मानवता के ऊपर पूरी दुनिया में कहर आया, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, हम इस वक्त मानवता की रक्षा के लिए पूरी दुनिया में हिंदुस्तान लगा हुआ है।
दुनिया मांग रही है दवाई हमसे और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सबके लिए खड़े हैं। और पाकिस्तान जो इस वक्त हरकत कर रहा है, हम जो पाकिस्तान में बैठे हुए उनको कह देना चाहते हैं, बाजवा को बोल देना जे आज का हिंदुस्तान है, जे कल का हिंदुस्तान नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक करके आपको जवाब किया था, हमने कभी पहल नहीं की, पहल हमेशा आपने किया, दूज हमारी हुई है। अब जगह आपकी होगी, वक्त हमारा होगा, टाइम हमारा होगा और हम आपको बताएंगे कि जे कोरोना के कहर के ऊपर जो हमारी पीठ पे छुरा मारा है, जो मानवता के ऊपर छुरा मारा है, उसका जवाब आपको अवश्य मिलेगा। और नरेंद्र मोदी पहल कभी नहीं करते, आपने पहल की है, दूज हम करेंगे। रमजान की हम कदर इज्जत सिर झुकाते हैं रमजान के ऊपर, और रमजान खत्म हो जाए इसका जवाब अवश्य दिया जाएगा। और पाकिस्तान को कह देना चाहता हूं, आप लोगों का ध्यान डिवर्ट करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 8 जवान शहीद कर दिए हमारे और हिंदुस्तान हमारे पे फायरिंग कर रहा है, हमने बहादुरी दिखाई है। अरे खाने को रोटी नहीं करती बल्ले बल्ले, लोगों को देने को दवाई नहीं, लोगों को देने को खाना नहीं, लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं, लोग अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं। देखो हमारे हिंदुस्तान के अंदर लंगर है, दवाइयां हैं, घर घर में खाना लोग पहुँचा रहे हैं, को भीख नहीं मांग रहा, लंगर दवाइयां हर घर में पहुँच रही हैं। और बंद है तो बंद है, ये हिंदुस्तान की तस्वीर है, हम नहीं चाहते। रमजान की फिक्र है वरना जवाब हम दे देंगे। गुलाम अब्बास, दवाइयां चाहिए होती हैं तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ देखता है और उसी की पीठ में छुरा मारने का काम भी लगातार करता रहता है। बिट्टा साहब ने जो कहा है वो आपने सुना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दवाइयां चाहिए होती तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ देखता है और साथ में पीठ में छुरा मारता रहता है। जब 14 जवान शहीद हुए थे तो जाके हमला किया था हमने, आपके कैंप तैयार किए थे, चूड़ियां हमने भी नहीं पहनी, चूड़िया हमने भी पहनी। हिंदुस्तान में गलत फहमी में मत रहना, ये आज का हिंदुस्तान है, आज का समझ जाओ, मानवता को मत मारिए, मानवता का नुकसान मत कीजिए, मानवता उधर भी जिंदा रहे। बत्ती गोल हो गई, भी जिंदा रहे, बत्ती गोल हो गई उधर, बत्ती गोल हो गई, संपर्क नहीं है अभी। बिट्टा साहब संपर्क हो जाए फिर उनको जवाब देते हैं। प्रमोद कृष्णम, आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। बिट्टा साहब ये क्या दिखाई देता है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया को अगर कुछ सफेद दिखाई देता है तो उसको काला दिखाई देता है, और अगर पूरी दुनिया किसी चीज को काला देखती है तो उसमें उसको सफेद नजर आता है। बिट्टा साहब सवाल आपसे। एक बात मैं आपको बता दूं, ये थोड़ी सी गर्मा गर्मी गाली की बात हुई, मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं, 92-93 के अंदर जब ब्लास्ट हुआ था दिल्ली यूथ कांग्रेस के ऑफिस में और बॉम्बे के अंदर हजारों बहनों के सुहाग उजाड़ रहे थे, हर जगह पे बम ब्लास्ट किए थे दाऊद इब्राहिम ने, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट होते हुए, अरे वागा बॉर्डर के अंदर 2.5 लाख की भीड़, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे लेके चैलेंज किया था, फौज से बाद में लड़ना, पहले हमारे से लड़ना। और पाकिस्तान ने क्या कहा था उस वक्त रेंजरों ने, बिट्टा को कहो गाली देना बंद करे नहीं तो गोली चलाएगा मैं का। और पाकिस्तान जे सामने बॉर्डर कहा था, अरे पाकिस्तान जे 2.5 लाख की भीड़ तिरंगे झंडे लेके तेरे लाहौर में घुस जाएगी, तेरियां गोलियां भी खत्म हो जाएंगी, और कच्छ बॉर्डर, गंगानगर बॉर्डर, कश्मीर बॉर्डर, लाख की भीड़ पाकिस्तान मेरे नाम पे फतवे पड़ता था। गाली इनकी अति की तैसी, जो बोल सकू नियम में हूं, इनको चने चबा दू मेरी गाली। हिंदुस्तान में दुनिया में हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को गाली दू और मेरी गाली रोक दे, सीने पे बम खाए जनाब, शरीर आधा है, ये अभी भी ये जो है, मेरे हाथ में बिट्टा कह रहे हैं, ये जो MS बिट्टा कह रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं हर हिंदुस्तानी के दिल में। कभी ना करे याद रखना, आज जब उसने कमांडिंग ऑफिसर आशुतोष के पार्थिव शरीर को पंच तत्व में विलीन होते हुए देखा, जब इस देश के जाबाज अनुज का अंतिम संस्कार उसने होते हुए देखा और जब उनकी पत्नी अपलक उनके पार्थिव शरीर को निहारती रही, पत्थर सी हो गई थी, ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। गुलाम अब्बास साहब,
इंसानियत को मार के कभी किसी को कुछ नहीं मिला, और अगर इसको बहादुरी समझता है पाकिस्तान तो एक बार फिर से सोच ले। मेरी बात सुनिए, जब दलील खत्म हो जाती है ना तो फिर गाली रहती है। बेटा साहब लगता है किसी बॉलीवुड की मूवी की स्टोरी सुना रहे थे। बेटा साहब मूवियों में ऐसे होता है, ओरिजिनल में अभी अरे हमने करके दिखाया जनाब, मैंने करके दिखाया, अभी तो नरेंद्र मोदी मैंने करके दिखाया। कहां बैठे हो आप, हिम्मत नहीं है, लॉजिक की भाषा समझते हैं? मेरी में हिम्मत है अभी भी करने की। उनके साथ लॉजिक होता है, जो गाली समझते हैं उनके साथ गाली। चलाई थी हिम्मत अभी भी है मेरे अंदर। कहां बैठे, मैं अचेनिया के बोलता हूँ, मेरे शरीर में अभी भी आना, याद रखना, गलतफहमी मत रहना कि चैनलों पे मैं बोलता हूँ। अभी भी करने की मेरे में हिम्मत है, ऐसे नहीं है कि मैं चरणों पे बोलता, मेरे में हिम्मत है करने की। अभी भी मुझे वक्त तो देखो ही, मेरे सरदार के सिर पे पगड़ी। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ, मुझे खड़ी ना होती। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हैं, उनका रुख मैं करना चाहूंगा। आ रहा हूं मैं नूर मोहम्मद शेख साहब, इसके फौरन बाद आपके पास आ रहा हूं, ये भी तय है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। एमएस बिट्टा साहब, मैं देख रहा हूं आपका इशारा, लेकिन वक्त नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।